हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एस एडिट्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पिकाचू की एडिटिंग के सेकंड पार्ट के ऊपर। तो गाइस, मैं वो ला चुका हूँ एंड अभी आप वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको फिर मिस आप जो भी स्टेप से मिस कर जाओगे ना, तो आपकी फ़ोटो एकदम बेकार बनेगी, धल्ली की नहीं बनेगी। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, हम बैकग्राउंड ले लेंगे। गाइस, आपको बैकग्राउंड PNG का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, हम चल लेते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं अपना। गाइस, हम यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं। गाइस, हम इस बैकग्राउंड को कर लेंगे पिक्सआर्ट में सेव। पिक्सआर्ट में ले लेंगे गाइस इसे। गाइस, ये पिक्सआर्ट में जा रहा है। गाइस, नेक्स्ट वीडियो बता देना किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। एंड जो गाइस, मैं बता दूं कि आप अगर आप जो भी कमेंट करोगे ना भाई, इस पे बना तो मैं उस पे बनाने की 100% कोशिश करूँगा। तो गाइस, ज़रूर बता दे करो कमेंट में, मैं किस तरीके की एडिटिंग करके दिखाऊँ आपको, आपको किस चीज़ कौन सी एडिटिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो गाइस, हम पहले क्रॉप में जाएंगे, हम यहाँ से क्रॉप में आ जाएंगे। गाइस, का वाइट वाइट जो एरिया है ना, आपको उसे क्रॉप कर देना है, क्रॉप करना है, अच्छे से क्रॉप कर लेना है, यहाँ से कर देना ओके। एंड गाइज, हम अपने मॉडल को ले आएंगे। गाइज, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइज, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड मतलब देख सकते हैं और परफेक्टली फुल HD में अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए चलते हैं, हम अपना मॉडल को यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं। गाइज, यहाँ ऐड फोटो में जाएंगे। गाइज, मैं अपना मॉडल को यहाँ इम्पोर्ट कर लेता हूँ। गाइज, हम इन्हें इस जगह पर सेट कर लेंगे, इस जगह पर। गाइज, यहाँ पे हम इनकी ओपेसिटी कम करेंगे एंड इरेजर पे जाएंगे, इरेजर की हार्डनेस फुल कर देना। और गाइज, आपको यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे इरेज कर देना है। गाइज, यहाँ से इरेज कर देते हैं आप, हम एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके गाइज, आपको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देना है। गाइज, ऐसे ही कर देते हैं हम सारे में। गाइज, हमने इसे पूरी तरह सेट कर लिया, अपने मॉडल को यहाँ पर पूरी तरह सेट कर लिया है। एंड गाइज, हम क्या करते हैं, गाइज हम अपने मतलब पिकाचू को जो कि इसका मेन पार्ट है उसे हम यहाँ ले आते हैं। तो गाइज, हम उसे ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड ऐड फोटो में जाएंगे एंड ये पिकाचू का PNG से इसे हम यहाँ लगा देंगे। तो गाइज, इसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइज, हम इसे इस जगह पर इस तरीके से लगाएंगे, इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे गाइज। एंड गाइज, इरेजर पर जाएंगे, इरेजर पे से गाइज इसकी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे आपको इरेज कर लेना है, इसकी हार्डनेस को फुल रख लेना है आपको, एक्स्ट्रा पार्ट को इसे इरेज कर लेना है यहाँ से, क्योंकि ऐसा लगे कि हमारा पिकाचू हमारी कमर पे लटका हुआ है एकदम बढ़िया लगेगा फिर। तो भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। तो भाई, बता जरूर देना क्योंकि मुझे कंटेंट सोचने में आपके लिए बहुत ही मेहनत मतलब सोच लगती है कि आपको कौन सा बढ़िया लगेगा एंड जिसकी भी बढ़िया मुझे कमेंट लगेगी ना गाइस, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। गाइस, इसे जल्दी से इरेज कर लेते हैं। गाइस, इसे भी पिकाचू को भी हमने यहाँ पे बढ़िया तरह सेट कर लिया है एकदम। तो गाइस, एक टेक्स्ट PNG और रह गया है पिकाचू डिटेक्टिव का, जो कि इसकी न्यू मूवी आई थी पिकाचू की, उसे भी हम यहाँ लगा लेते हैं। तो गाइस, हम जाते हैं ऐड फोटो में एंड ये पिकाचू का टेक्स्ट PNG है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। गाइज, आपको इस जगह पर लगा देना है इसे।
थोड़ा सा गाइस नीचे रख देना ऐसे। ओके गाइस यहाँ से हमारी फ़ोटो हो गई है एकदम तैयार। तो गाइस हम अब लाइटरूम एप्लीकेशन में जाएंगे, इसको थोड़ा सा रीटच करेंगे। तो गाइस हम यहाँ से ड्रॉ टूल में जाकर इसे थ्री डॉट्स पर क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे। एंड गाइस चलिए चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइस हम आ चुके हैं लाइटरूम के अंदर एंड हमने अपना फ़ोटो भी यहाँ इंपोर्ट कर लिया है कि ज़्यादा टाइम ना हो। तो गाइस चलिए चलते हैं, हम पहले से कलर करेक्शन करेंगे थोड़ी। गाइस यहाँ पे आपको एक्सपोजर में जाना है, थोड़ा सा एक्सपोजर को कम रखना है एंड हाइलाइट्स को बढ़ा देना है आपको। गाइस शेडो को आपको कम रखना है, वाइट्स को बढ़ाना है, ब्लैक्स को बढ़ा देना है आपको। एंड अब आपको आ जाना है टेम्परेचर एंड कलर टूल में। तो गाइस की वाइब्रेंस आपको बढ़ा देनी है थोड़ी एंड इसको -2 इसकी सैचुरेशन कम कर देनी है। एंड अब आपको आ जाना है मिक्स टूल में आना है। मिक्स टूल में आपको यहाँ पे ऑरेंज में जाना है, इसकी लुमिनेंस बढ़ा देनी है आपको थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 6 कर लेना है। एंड येलो को आपको छेड़ना नहीं है। अब आपको आ जाना है ग्रीन के अंदर। गाइस इसकी ह्यू को आपको थोड़ा सा छेड़छाड़ करना होगा, तो गाइस ह्यू को थोड़ा सा माइनस में रखेंगे आप एंड सैचुरेशन बढ़ाएंगे थोड़ी सी एंड थोड़ी ल्यूमिनेंस कम कर देंगे। एंड अब आपको जाना है टील के कलर में एंड इसकी अब इसको भी से साथ आपको थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है, सही माइनस में रखना है। एम अब आपको जाना है ब्लू में। तो गाइस आप ब्लू के साथ कुछ भी कर सकते हैं एंड ब्लू बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस, हम उसको माइनस में रखेंगे थोड़ा सा एंड इसकी सैचुरेशन क्रिएट करेंगे थोड़ी सी एंड ल्यूमिनेंस को थोड़ी सी कम कर देंगे। एंड गाइस यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। एंड गाइस अब आ जाएंगे हम क्लैरिटी के टूल में, आपको क्लैरिटी इंक्रीज करनी है एंड विग्नेट डाल देना है थोड़ा फोटो में, जिससे कि फ़ोटो रियलिस्टिक लगे। एंड अब आपको जाना है शार्पनिंग के टूल में आ जाना है आपको। शार्पनिंग के टूल में आके आपको 20 शार्पनिंग कर देनी है, ज़्यादा नहीं, 20, 21, 22 कर देना आप। और नॉइज रिडक्शन को आप थोड़ा बढ़ा देना है एंड आपको कलर्स नॉइज रिड्यूशन को बढ़ाना है। एंड आपको आ जाना है दोबारा लाइट के ऑप्शन में। तो इस आपको लाइट के ऑप्शन में दोबारा आके क्या करना है, हमने कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया नहीं था, तो कॉन्ट्रास्ट को आप हमेशा एंड में बढ़ाएं, जिससे कि हमारे फ़ोटो में चमक आए। तो गाइस हमारा फोटो आप सब देख सकते हैं क्या धांसू लग रहा है गाइस। इसे मैं बता दूं कि आपको रियल में कैसा था एंड अब जो हमने एडिट किया है फ़ोटो वो कैसा था। तो गाइस आप सब अभी देख पाएंगे। गाइस पहले पिक ऐसी थी, एकदम फेक लग रही थी, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था ना गाइस। अब गाइस इसमें लाइटनिंग आ गई है थोड़ी सी, तो कि वीडियो तो गाइस आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इनके शर्ट की इधर ये मतलब पिकाचो का डिटेक्टिव का PNG जो लगाया है ना हमने, उसकी लाइटनिंग आ रही है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस हम थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देंगे। तो गाइस यहाँ से फुल HD में आप सेव कर देना। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय।